सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुख सच्चा मित्र है, जब तक साथ रहता है सबक सिखाता है, जब जाता है तो सुख छोड़ जाता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करना। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। आज का पंचांग 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्र पदमास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 54 मिनट तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 3:21 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार, आपके दादाजी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ योजनाएं हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में व्यवहार कुशल बने। रोमांस और किसी विशेष व्यक्ति के लिए खाली समय निकालें। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? अपने आप में दृढ़ विश्वास रखें और जल्दी आप सभी बाधाओं को दूर कर पाएंगे। लोग अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए लोगों पर विश्वास ना करें। धन खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन स्वयं हमें अपने खुद को चुनने का मौका देता है। आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के साथ समय बीतेगा, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नई उपलब्धियों को पाने का मौका भी मिलेगा। इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। आर्थिक आवक अचानक से बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन इन पैसों का खर्च आप अपने जीवन से संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए करेंगे। फिलहाल पैसों का निवेश किया सेविंग कर पाना संभव नहीं है, इसलिए जो भी आर्थिक फायदा प्राप्त हो रहा है उनके जरिए खुद को जरूरतों को पूरा करने पर अधिक ध्यान देना होगा। अपने काम के कारण आपको समाधान प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेहनत के अनुसार श्रेय न मिलने की वजह से थोड़ी नाराजगी बनेगी। शिद्दत व संयम के साथ आपने योग्य पार्टनर का इंतजार किया है, उसका फल आपको जल्द ही प्राप्त होगा। अगले 2 महीने रिलेशनशिप से संबंधित बातों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। सावधानियां, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले संबंधित योजनाओं पर दोबारा सोच विचार अवश्य करें। जरा से चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। घर के व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है। आज के दिन आप केवल मनोरंजन और आराम के बारे में सोच रहे हैं, इसके साथ ही इंतजार कर रहे हैं डिवाइन लव का। आपकी रचनात्मकता आपको वो सब प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं। अपने रोमांस के सपनों में रंग भरने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का सहारा लें। आत्मविश्वास होने और हर तरह की निराशा को दूर करने के लिए अब समय शुभ है। आज आप निराश हो सकते हैं क्योंकि आपके जीवन साथी द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन याद रखें और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज ना करें। अपने प्यार के साथ समय बिताएं और हो सके तो उसके लिए कुछ खास करें। बात करते हैं करियर की। आज आप मनोरंजन, आराम और विलासिता के बारे में सोच रहे हैं। मनोरंजक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित संघर्ष से बचने के लिए कूटनीति और नए अवसरों का प्रयोग बेहद जरूरी है।
आज जो भी करें सोच समझ कर और पूरा दिल लगा कर करें। आज अपनी रास महसूस करेंगे लेकिन अपने विश्वास को कम ना होने दें। आप उन मुश्किलों का भी कुशलता से सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को प्रभावित कर रही है। आज लोग अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे। आज धन मुख्य मुद्दा है। धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता लेकिन इससे जीवन आसान हो जाती है। बात करते हैं सेहत की। इस समय बदलते मौसम की मार आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकती है। इस समय स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी नियम का पालन करना अति आवश्यक है। आहार लेने पर जोर देना होगा। शरीर को डिटॉक्स की भी आवश्यकता हो सकती है। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।